बार लिखे हुए हैं, कब क्यों कैसे, कब से आप क्या समझते हैं मैं बताऊं, आप लोग बताएं कब का मतलब ये होता है, आप बता देते आप बता, कब का मतलब ये होता है कि जब हम हमें कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या निग्लेक्ट कर रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंडित जी होते हैं, एक पंडित जी होते हैं हमारे घर जैसे मंदिर है ना वैसे, उनको भगवान पे बहुत बिलीव होता है, और वो एक दिन बर्गी डैम का सिर्फ पानी छूटने वाला होता है और लोगों ने बोला कि भैया डैम छूटने वाला है, पानी छूटने वाला है, आप मंदिर, हे भगवान तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं बचाया तुमने मुझे, भगवान से बोलते मैं तो आया था तीन बार तेरे पास, पहली बार गांव वालों के थ्रू आया था, खाली कर दो नहीं किया तुमने, दूसरी बार आया नाव लेकर तुम नहीं आए, तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर आए तू भी नहीं आए, तुम्हारो समझे, कहने का मतलब ये है अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। जैसे आपसे पहले एक घंटे पहले यहाँ पे बहुत लोग थे ठीक है, लेकिन जो लोग चले गए उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, वो बाहर हो गए। जैसे अभी पटवारी की पोस्ट निकली 17 लाख आवेदन है, लेकिन आधे से लोग तो एग्जाम देने ही पहुंचेंगे, आपको पता है किसी के घर में शादी रहेगी रिलेटिव की तो बोलेगी अरे जाए पटवारी शादी अटेंड करना है ना, तो ये चीज होती है। इसीलिए कब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब कब कि हम कब करें क्या करें, ठीक है। तो डियर अभी क्या है, क्रेज बाय क्रेज चलते हैं। थोड़ी दिन पहले मतलब मैं 2006 की बात करूंगा, उस टाइम पे मेरा मोबाइल बन गया क्या हुआ, एंड्रॉइड मोबाइल हो गया। उस टाइम पे जिन्होंने मोबाइल का बिजनेस खोला वो आज बिल्डिंग खड़ी कर ली और दुकानें अच्छी चल रही। आज अगर मोबाइल की शॉप आप खोलो तो चलेगी क्या, नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि क्रेज खत्म हो गया। नंबर सेकंड, एक समय था जब प्रॉपर्टी आई, लोगों ने वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाई और जिन लोगों ने 10वीं फेल भी थे और प्रॉपर्टी का बिजनेस चालू किया वो आज लखपति करोड़पति बन गए, जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं था उनके पास भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई। कैसे, उन्होंने मौके पे चौका मारा, वो एक क्रेज था कि प्रॉपर्टी सब लोग बेच रहे थे और लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचने का काम चालू किया बिल्डर्स के साथ लग गए या नहीं यहाँ लगे और उस टाइम पे उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया। वैसे ही आज समय क्या चल रहा है, क्यों, इसलिए मैंने लिखा रहा कब तो समझ गया, अब क्यों, क्यों जरूरी है, पैसे के लिए, आपको सबको पैसे के लिए आ रहा हो तो पैसे के लिए जुड़ते हैं, लेकिन कैसे पक्का अपन को करना चाहिए तो अपन ये चीज समझेंगे। अभी एक क्रेज है, आपने कहावत सुनी होगी बहती गंगा में हाथ धोले, आपको पता होगा जब एक्सीडेंट होते हैं ना फिर लड़की के स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाए और दो लड़के उठाने और जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया होगा उसको दो चार लोग तो रास्ते चलते मार देते हैं, ठीक है, तो बहते ही वैसे ही बहती गंगा में हाथ धोले ना, तो अभी जो गंगा बह रही है वो बह रही है आयुर्वेदा का, जो पॉम्पलेट मैंने सबसे पहले दिया आयुर्वेदा। आज सबसे ज्यादा लोग आयुर्वेद की ओर जा रहे हैं एलोपैथिक से, क्योंकि वो तंग आ गए 50,000 या 50 सालों से जो चीजें चली आ रही हैं, 50,000 क्यों, पूर्वजों से पहले से अपना आयुर्वेद चला आ रहा था, लेकिन 50 साल पहले आयुर्वेद की जगह क्या आ गई, एलोपैथिक आ गई। तो अब हम सब क्या करते हैं, सिर दुखता है तो एक गोली खरीदते हैं, एक गोली ठीक हो जाता है, बुखार चढ़ता है एक गोली खरीदे ठीक हो गया, तो अंग्रेजी दवाइयां खा खा के अपने अपने आप को आदि बना लिया। इसलिए क्या फूड सप्लीमेंट्स जो है ना वो हम नहीं खाते हैं या पोषण तत्व नहीं खा पाते हैं सही, और हम उसके शिकार होते जा रहे हैं। पहले भी इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, पहले के जो लोग थे वो 100 साल जिया करते रहे, आजकल के लोग क्या खाते हैं जल्दी ऊपर चले जाते हैं, उसका कारण क्या है, खान पान। पहले हम क्या खाते थे, दूध दलिया दही मक्खन